अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्वेश्चन एयर लेकर के आए हैं। उस क्वेश्चन एयर का नाम है गेटिंग टू नो ईच अदर, आपस में एक दूसरे के बारे में जानना। अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप यहीं से इस वीडियो को देख करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बेसिक लर्नर हैं, क्योंकि बिना इंग्लिश बोले बिना आप अपनी इंग्लिश को बेहतर नहीं बना सकते। उसके लिए इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। केवल वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, तरीका हम बताएंगे, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और आप अगर हमारी मदद चाहते हैं, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक-एक क्वेश्चन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और आप इसी तरीके से आंसर भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जीभ की प्रैक्टिस करिए, बोलने की आपको आता है तब भी बोलिए, इससे काफी फायदा होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में आंसर दे देते हैं। अगर नाम है राहुल तो अगर उनसे पूछो व्हाट इज योर नेम तो वो बोलते हैं राहुल। तो आपको राहुल ना बोल करके आपको कंप्लीट सेंटेंस बोलना है, माय नेम इज राहुल। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो। तो जगह का नाम नहीं बताना है, जगह का नाम तो बताना है, उसके साथ कंप्लीट सेंटेंस बोलना है। Where do you live? I live in Lucknow. I live, जो भी जगह का नाम है आप पूरा सेंटेंस बोलिए, I live, आगे जगह का नाम आप बता सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे तभी आपका फायदा होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो केवल सब्जेक्ट का नाम मत बताइए, इंग्लिश मैथ, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस में जवाब दीजिए। आप क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जब आप अगर बात करते हैं तो यहां पर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश या व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, आप इंग्लिश कब पढ़ते हो। डू यू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में बात करते हो। डू यू टॉक इन इंग्लिश विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करते हो। इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा इंग्लिश में बात करेंगे उतनी ही ज्यादा आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। व्हाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। तो आई नीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश की जरूरत है। आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं। आपका जो भी रीजन है आप उस रीजन को कंप्लीट सेंटेंस में जवाब दीजिएगा। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई लाइफ, मैं जीवन में ज्यादा तरक्की करना चाहता हूं। जो भी आपका आंसर है कंप्लीट सेंटेंस में बोलिए। और हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या सीखा। व्हाट हैव यू लर्नड येट, अभी तक आपने क्या सीखा है। इस तरीके से आप ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, कंप्लीट सेंटेंस में जवाब देंगे तभी आपका फायदा होगा। अगला है, आर यू गेटिंग इंप्रूवमेंट इन योर इंग्लिश, क्या आपकी इंग्लिश में सुधार हो रहा है। यस आई एम गेटिंग इंप्रूवमेंट इन माई इंग्लिश, यस आई एम गेटिंग इंप्रूवमेंट इन माई इंग्लिश। अगर नहीं मिल रहा है तो आप बोल सकते हो, इसका नेगेटिव जवाब दे सकते हो, आई एम नॉट गेटिंग इंप्रूवमेंट इन माई इंग्लिश, मेरी इंग्लिश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। वेन आई रीड बुक्स आई गेट इंप्रूवमेंट, वेन आई टॉक इन इंग्लिश आई गेट इंप्रूवमेंट, वेन आई लिसन इंग्लिश आई गेट इंप्रूवमेंट। तो अगर इंप्रूवमेंट होता है तो आप इसको इस तरीके से जवाब दे सकते हो। किसी से बात करते हो तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ आर यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को किस तरीके से बेहतर बना रहे हो। आई वॉच वीडियोज एंड आई टॉक इन इंग्लिश, आई रीड बुक्स एंड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई लिसन इंग्लिश मैं इंग्लिश सुनता हूँ, आई टॉक इन इंग्लिश मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। तो जो भी आप करते हैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब आप इसी तरीके से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्या आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो। यस आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, नहीं पढ़ते हैं, नो आई डोंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अगर पढ़ते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड हिंदुस्तान टाइम्स, आई रीड अमर उजाला। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस न्यूज़पेपर का नाम बता सकते हैं। When do you read this newspaper? ये newspaper आप कब पढ़ते हो? At what time do you read this newspaper? ये newspaper आप कितने बजे पढ़ते हो? उसका जवाब भी दे सकते हैं। I read this newspaper at 8 a.m. मैं सुबह पढ़ता हूँ, या I read this newspaper in afternoon मैं दोपहर में पढ़ता हूँ। तो जो भी है आप उसको कोशिश करिए complete sentence में English में ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए, तभी फायदा होगा। गलत English के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप गलतियाँ करेंगे क्योंकि आप मास्टर नहीं है इंग्लिश में और ये अपनी लैंग्वेज भी नहीं है।
आप बोलना स्टार्ट करिए, धीमे धीमे इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश में। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती बोलना स्टार्ट करो। गलत इंग्लिश बोलो, सामने वालों को नहीं समझ में आ रही वो उसकी प्रॉब्लम है, आप तो स्टार्ट करो इंग्लिश बोलना। आप उससे कह सकते हो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए, अगर हम गलत इंग्लिश बोल रहे हैं आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप हमारी गलत इंग्लिश को समझ सको। तो आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश में। तो डू यू रीड इंग्लिश न्यूज पेपर? यस आई रीड इंग्लिश न्यूज पेपर। नो आई डोंट रीड न्यूज पेपर। क्रॉस क्वेश्चन मैंने बताया, वैसे भी कर सकते हैं। विच इज योर फेवरेट न्यूज पेपर? आपका फेवरेट न्यूज पेपर कौन सा है वो भी आप बता सकते हैं। माई फेवरेट न्यूज पेपर इज द हिंदू। माई फेवरेट न्यूज पेपर इज, आगे न्यूज पेपर का नाम आप बता सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे भी रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? फुर्सत में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? आई रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम। आई टॉक इन इंग्लिश इन माई फ्री टाइम। आई प्ले गेम्स इन माई फ्री टाइम। आई प्ले ऑनलाइन गेम्स इन माई फ्री टाइम। जो भी करते हैं, आई प्ले चेस इन माई फ्री टाइम। आई वॉच इंग्लिश वीडियोज इन माई फ्री टाइम। आई वेस्ट माई टाइम। जो भी आप करते हैं उसको कंप्लीट सेंटेंस में, फुर्सत में आप क्या करते हैं उसको कंप्लीट सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करिए। जब क्रॉस क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा, तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं आई प्ले क्रिकेट इन माई फ्री टाइम, तो आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? वेयर डू यू प्ले क्रिकेट? विथ हुम डू यू प्ले क्रिकेट? आर यू बॉलर और बैट्समैन? ऐसे ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ के आप अपनी जीभ की प्रैक्टिस करा सकते हो। ढेर सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछ के इंग्लिश बोलने की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग यहाँ से करिए, नेक्स्ट लेवल पे तो आप पहुँच जाएंगे। पहले बेसिक लेवल से तो आप बोलना तो स्टार्ट करिए, चलना स्टार्ट करेंगे तब तो पता चलेगा कि जीवन में समस्याएँ क्या आएंगी, इंग्लिश सीखने में कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तब आएगी ना जब आप शुरू करेंगे। अगर एक आदमी कहता है कि मैं आज तक कभी घोड़े से गिरा ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी घोड़े पे बैठा ही नहीं। आप घोड़े से गिरेंगे तब ना जब आप घोड़े पे बैठेंगे। इंग्लिश में गलतियां अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब आप मास्टर हैं इंग्लिश में। हाँ, हो सकता है आप मास्टर हैं इंग्लिश में अगर गलतियां नहीं करते, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि आप इंग्लिश बोलते ही नहीं इसीलिए आप गलतियां नहीं करते। तो गलतियां शुरू करिए, धीमे धीमे आपको सही तरीका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डू यू वेस्ट योर टाइम समटाइम्स? क्या आप अपना समय कभी कभी ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। डू यू वेस्ट योर टाइम समटाइम्स? क्या कभी कभी आप अपना टाइम वेस्ट करते हो? यस आई वेस्ट समटाइम्स। या आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई जस्ट फोकस ऑन माई गोल, मैं अपने गोल पे फोकस करता हूँ। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, या आई डोंट गेट फ्री टाइम, दैट्स वाई आई डोंट वेस्ट माई टाइम। जो भी आपका आंसर है आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? तो आप सबका अलग अलग होता है। माई फेवरेट फूड इज, आगे फूड का नाम बता सकते हैं। माई फेवरेट फूड इज, आगे फूड का नाम। अगर वो कोई भी फूड कहता है तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हेन डिड यू टेक दिस फूड? ये फूड आपने कब खाया था? वेयर डू यू टेक दिस फूड? ये खाना आप कहाँ खाते हो? डू यू नो टू कुक योर फेवरेट फूड? क्या आपको अपना फेवरेट फूड पकाना आता है? इस तरीके से ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने आंसर लेंगे उससे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, यानी एक एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट आप बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू टॉक इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में बात करते हैं? यस आई टॉक इन इंग्लिश। नहीं करते हैं तो जवाब दे सकते हैं नो आई डोंट टॉक इन इंग्लिश। अगर करते हैं तो विद होम डू यू टॉक इन इंग्लिश? किसके साथ इंग्लिश में बात करते हैं? आई टॉक इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स, आई टॉक इन इंग्लिश विद माई ब्रदर, आई टॉक इन इंग्लिश विद माई फादर, आई डोंट टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ। ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी वही है, विद होम मीन्स यूज करते हैं किसके साथ, विथ होम अलग से भी लिख सकते हैं। विथ होम डू यू टॉक इन इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, वट मेक्स यू हैप्पी? आपको खुशी कैसे मिलती है? वट मेक्स यू हैप्पी? When I speak in English, I become happy. When I complete my task, किस तरीके से जवाब दे सकते हैं? आपका अपना जवाब हो सकता है। When I speak in English, when I speak English, I become happy. When I talk in English, I become happy. When I complete my task on time, I become happy. When I help needy, I become happy. जब मैं जरूरतमंद की मदद करता हूँ, I become happy. When I listen devotional songs, I become happy. जब मैं भक्ति गाने सुनता हूँ, I become happy. तो when I learn new things, I become happy. तो जो भी आपका आंसर है आप जवाब दे सकते हैं what makes you happy. इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, what makes you unhappy? आप unhappy कैसे होते हैं? When somebody scolds me, when my mother scolds me, I become unhappy. When my father scolds me, scold means होता है डांटना, जब मेरे पापा मुझे डांटते हैं, when my father scolds me, I become unhappy. When I could not complete my task on time, मैं काम पूरा नहीं कर पाता, then I become unhappy. तो जो भी आपका कारण है
उसको इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल क्या है, किसके जैसे आप बनना चाहते हैं। अगर आपका कोई रोल मॉडल नहीं है आज ही बनाइए, क्योंकि अगर सपने नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, रोल मॉडल नहीं है, किसके जैसे आप बनना चाहते हो, किसी के जैसे मत बनिए, बनिए आप अपने ही जैसे, लेकिन लर्निंग तो आप किसी से ले सकते हैं, सीखना तो पड़ेगा ना कहीं से। तो हु इज योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है, तो आप अगर नहीं है तो बनाइए, है तो आप उसका नाम बता सकते हैं। My role model is स्वामी विवेकानंद, My role model is डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, My father is my role model, जो भी आपका रोल मॉडल है, जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं या जिससे आप सीखते हैं, वो आपका रोल मॉडल हो सकता है, यानी उसके जैसे हम उसको कॉपी करते हैं, वो हमारा, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो आपका रोल मॉडल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर यू हैप्पी पर्सन, क्या आप हमेशा खुश रहते हैं। यस, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम हैप्पी पर्सन, आई एम हैप्पी गो लकी, हैप्पी गो लकी यूज करते हैं, जो मस्त रहता है, हमेशा खुश रहने वाले को हैप्पी गो लकी बोलते हैं, विवेशस बोलते हैं, जिंदा दिल, खुश मिजाज, हमें खुश रहना चाहिए। आप नहीं हैं तो खुश रहिए, कारण ढूंढिए, खुश रहने के लिए कारण नहीं ढूंढना पड़ता है, आप खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, कारण आपको मिल जाता है। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, ये दिमागी कारण होता है, बाहर की चीज़ें खुशी नहीं पैदा करती, अंदर की, अंदर अगर आप खुश हैं ना तो बाहर की चीज़ें आपको अच्छी अच्छी दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें खुश रहना चाहिए। आर यू हैप्पी पर्सन, यस आई एम हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं कभी निराश नहीं होता हूँ, तो आप जवाब दे सकते हैं। What do you want to become? आप क्या बनना चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपके, क्या गोल है, क्या बनना चाहते हैं आप, बताइएगा जरा कमेंट करके, आप हमें बताइएगा What do you want to become? अगर आपका गोल नहीं, आप उस टारगेट पे कभी निशाना लगा ही नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, तो आपको देखना पड़ेगा What do you want to become? आप बनना क्या चाहते हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं, ये दो ही ऑप्शन होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, इसके अलावा हजारों ऑप्शन हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आज के समय में जो भी बनना चाहते हैं सब कुछ बन सकते हैं, और उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पहले डिसाइड तो करिए व्हाट डू यू वांट टू बिकम। लोग सोचते नहीं मैं बनना क्या चाहता हूं, किसी को देख करके मोटिवेट होते हैं, रैट रेस को फॉलो करते हैं, भेंट चाल जिसको बोलते हैं, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे, वैसा बिल्कुल मत करिए, आप करिए जो आपका पैशन है, आपका जुनून है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज को करना स्टार्ट करिए, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई रोक ही नहीं सकता, आप जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आंसर दिस क्वेश्चन कमेंट करके भी आप हमें बताइएगा। व्हाट आर यू डूइंग नाउडेज, आजकल आप क्या कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, आई एम डूइंग जॉब नाउडेज, आई एम स्टडीइंग इंटरमीडिएट नाउडेज, आई स्टडी इन 9th क्लास, या आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मैं जॉब की तलाश कर रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी आप करते हैं आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी, के आप टीवी देखते हैं, डू यू वॉच टीवी, यस आई वॉच टीवी, नहीं देखते, नो आई डोंट वॉच टीवी, अगर देखते हैं देन व्हाट डू यू वॉच इन टीवी, आप टीवी में क्या देखते हो, आई वॉच आगे सीरियल प्रोग्राम, जो भी आप देखते हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं। व्हेन डू यू वॉच दिस प्रोग्राम, ये टीवी प्रोग्राम कब देखते हो, व्हाट डू यू लाइक इन दिस टीवी प्रोग्राम, इस टीवी प्रोग्राम में आपको क्या अच्छा लगता है, फोन के बारे में भी ऐसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो भी है वो भी बता सकते हैं, माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज हो जाएगा। डू यू लाइक फास्ट फूड, का क्या आपको फास्ट फूड अच्छा लगता है, यस आई लाइक फास्ट फूड। विच इज योर फेवरेट फास्ट फूड, माई फेवरेट फास्ट फूड इज बर्गर, माई फेवरेट फास्ट फूड इज नूडल्स, माई फेवरेट फास्ट फूड इज पिज्जा, जो भी है आप जवाब दे सकते हैं। और भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर डू यू टेक बर्गर, वेयर डू यू टेक पिज्जा, वेयर डू यू टेक नूडल्स, व्हेन डिड यू टेक नूडल्स, व्हेन डिड यू टेक फास्ट फूड, व्हेन डिड यू टेक पिज्जा, इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो एक तरीका मैंने बताया है, जब आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप उनके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिना इंग्लिश में बोले हुए कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर ये पूरा वीडियो देख लिया है आपने तो ज़रूरत तो है, इंटरेस्ट तो है आपका इंग्लिश बोलने में, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना, इसमें बताए गए सारे तरीके को आप अगर घर पे बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया है आप हमारे ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 1-to-1 हैंड होल्डिंग की जाती है, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है, ढेर सारी ऐसी क्वेश्चन आपको कराई जाती है, ढेर सारे एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, जहां पर पूरी तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। कोई सजेशन होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा। इन सारे क्वेश्चंस की कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पे नोट करिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। डेली बेसिस पे आप ऐसा करते रहेंगे तो गारंटी के साथ हम कहते हैं आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस लगातार करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।